दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी अपनी जिंदगी में कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा सोनी के लिए कि उसके घर में भी देर है अंधेर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमो कार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारी एक्स बॉक्स की वीडियो देखी होगी जिसमें हमने उसके पूरे फीचर्स के बारे में बताया था जो माइक्रोसॉफ्ट ने कल रात ही ऑफिशियली कन्फर्म किए हैं। लेकिन अब उसी के बाद उस वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि सोनी जो है वेट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के पूरे कुछ सब कुछ रिवील करने का। और अब जाकर सोनी ने भी अपने एक ध्रुव का पत्ता बाहर निकाल ही दिया है और ये इवेंट आपको देखने को मिलेगा कल रात 9:30 बजे एक इंडियन टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूं। और वो इवेंट चलेगा लगभग 2 से 2.5 घंटे तक, जिसमें सोनी के नेक्स्ट जन कंसोल की फर्स्ट टाइम आपको लुक ऑफिशियल देखने को मिलेगी, उसके डिजाइन के बारे में पता चलेगा, साथ ही उस पर कौन कौन सी अपकमिंग गेम्स रिलीज होंगी और लॉन्चिंग टाइटल कौन से होने वाला है, वो कब रिलीज होगा और उसका क्या प्राइस होगा, ये इन सभी बातों के बारे में खुलकर पता चलेगा। तो मैं एक एक करके यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। अभी तक सोनी ने अपने जीपीयू सीपीयू के बारे में तो काफी कुछ बता दिया था ऑफिशियली कि वो बैकवर्ड कंपेटिबल भी होगा, लेकिन उसमें ये बात क्लियर नहीं की थी कि क्या PS4 से बैकवर्ड जो कंसोल है वो भी उसमें प्ले कर पाएंगे उनकी गेम्स भी हम PlayStation 5 पर या नहीं। तो हो सकता है कि इसके बारे में भी कल सोनी पूरी तरह से डिक्लेयर कर दे। इसी के साथ यहाँ पर हमें ये भी पता चलेगा कि जो PlayStation 5 का कंट्रोलर है वो कैसा होने वाला है। बहुत सारे रूमर्स थे कि इस बार आपको जॉयस्टिक में डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप चैट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, पार्टी शेयर कर सकते हैं। तो ये पता चलेगा कि अगर वो डिस्प्ले होती है कंट्रोलर में तो वो कितना ज्यादा तक वर्क करेगी। और इसी के साथ साथ कंट्रोलर की जो ग्रिप है जिससे हम खेलकर मतलब अपनी गेम को एंजॉय करेंगे वो कितनी मजेदार और स्मूथली होगी। वैसे भी मैं आपको अदर फीचर्स के बारे में शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूं जिनके बारे में कल आपको पूरे इवेंट में डिटेलिंग से जानने को मिलेगा। यहां पर बात की जाएगी ऑल न्यू सीपीयू जीपीयू के बारे में, SSD के बारे में कि कंसोल में एक्सबॉक्स ने तो फाइनल कर दिया कि हम 1 TB का ही एक वेरियंट लॉन्च करेंगे, लेकिन सोनी ये कहता है कि यहां पर हम 2 तरह के वेरियंट लॉन्च करेंगे। एक वो जो कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट से एक लिमिटेड मनी ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक उनके लिए जिनके लिए पैसा मैटर नहीं करती, चीज मैटर करती है। तो यहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे PS4 और PS4 Pro है तो उसी तरह का PlayStation 5 में भी आपको 2 तरह के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें मुझे लगता है जो मेजरली जो डिफरेंस देखा जाएगा वो SSD का होगा, जिसमें स्टैंडर्ड एडिशन में आप मान सकते हैं कि 1 TB SSD होगी और दूसरे वेरिएंट में आपको 2 से 4 TB तक की SSD देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम यहाँ बात करते हैं रेट रेसिंग के बारे में, तो कल कुछ गेम प्ले और डेमोज भी दिखाए जाएंगे जिनका रेट रेसिंग का किस तरह से उसमें यूटिलाइजेशन होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। जहां तक ग्राफिक्स का सवाल है तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि अप टू 8K तक वो सपोर्ट करेगा और जो उसके नेटिव ग्राफिक्स है वो सिमिलर टू एक्सबॉक्स सीरीज एक्स 4K 60 FPS पर आपकी हर कोई गेम रन करेगी। जो आपकी बैकवर्ड कंसोल की भी गेम होगी उसके भी वो ऑटोमेटिक ग्राफिक्स को इनहेंस कर देगा और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बैकवर्ड कंसोल की गेम खेल रहे हो। और इसके अलावा जो 2 फीचर सोनी पहले कंफर्म कर चुका है, डिस सपोर्ट, तो हाँ बिल्कुल आपका ये फिजिकल डिस्क तो सपोर्ट करेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग ये सोचकर बैठे हुए थे कि अब जो 4K में गेम आएंगी उनका सेटअप भी 100 GB से ऊपर की गेम्स होंगी, बिल्कुल होंगी। तो हो सकता है या तो आपको वो 2 डिस्क में देखने को मिलेंगी या सिंगल डिस्क में भी हो सकता है, जो अल्ट्रा ब्लू रे डिस्क का जिसे नाम दिया गया है और इसका स्पेस भी अराउंड 250 GB तक बताया जा रहा है, तो उसमें आपकी हर कोई गेम एक तरह से कवर हो जाएगी और आप फिजिकल डिस्क में ही गेम को खेल सकते हैं। आपको इतना ज्यादा जो डेटा का लोड होता है ना सर पे कि यार इतना ऑनलाइन हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उस तरह की प्रॉब्लम अभी तो आपको एटलीस्ट PlayStation 5 तक तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसी के अलावा हम बात करते हैं 3D ऑडियो आउटपुट की, तो यहाँ जितनी भी गेम्स आप खेलेंगे जो हेडफोन लगाकर खेलना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं तो उनका तो जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही स्टेज पर जाने वाला है। और यहाँ पर जो आप कोई भी पुरानी भी गेम खेलोगे, नई भी गेम खेलोगे, नई गेम तो खैर स्पेशली डिजाइन इस तरह से की जा रही है कि अगर बुलेट्स आपके लेफ्ट साइड से होकर निकली है तो आपको लेफ्ट ईयर में ही उसका एक प्रॉपर साउंड सुनाई देगा और जो राइट ईयर तक साउंड जितनी जानी चाहिए सिर्फ आपको उतनी ही आवाज सुनाई देगी। इसी के साथ कंट्रोलर भी जो आपको मिलेगा तो उसके अंदर भी आपको कई तरह की वाइब्रेशन देखने को मिलेंगी। और जाते जाते दोस्तों मैं आपकी थोड़ी सी और एक्साइटमेंट बढ़ा देता हूं ये बताकर
कि कंपनी ये क्लेम कर रही है, कहीं ना कहीं ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे गेम्स रेडार हो गई, गेम इन्फॉर्मर हो गई, इन्होंने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर सोनी की सीईओ के साथ आपको रॉकस्टार गेम के भी सीईओ देखने को मिलेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कल सोनी GTA 6 का भी टीजर या ट्रेलर रिवील कर सकता है अपने इवेंट में। अगर ऐसा होता है तो अभी तक जितने ज्यादा रूमर्स आ रहे थे इस चीज पर कि GTA 6 टाइमली एक्सक्लूसिव होगा PlayStation 5 पर, ये बात पूरी तरह से सच हो जाएगी। और इसके अलावा Naughty Dog, Santa Monica, Insomnia, Gorilla Games वगैरह ये डेवलपर्स पब्लिशर तो सब आपको वहां मिलेंगे ही। तो कल यानी कि बहुत बड़ा इवेंट है, और ये मैं कह सकता हूँ कि लिटरली कि जिस हिसाब से सोनी ने प्लानिंग की होगी उस इवेंट की, क्योंकि पूरे एक तरह से आप लगा सकते हैं कि लास्ट जो इवेंट हुआ था 21 फरवरी 2013 में हुआ था नेक्स्ट जन कंसोल से रिलेटेड, और अब आप कह सकते हैं कि सोनी पूरे 7 साल 1 महीना और 5 दिन बाद ये इवेंट करने वाला है, तो ये उसके लिए कितना बड़ा इवेंट होगा और उसकी प्लानिंग भी कितनी सिक्योर होगी। ये तो इवेंट आपको दोस्तों पिछले ही महीने देखने को मिल जाता अगर ये कोरोना वायरस जैसी प्रॉब्लम नहीं हुई होती, लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब कल हमें पूरा इवेंट देखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो हमारा सेकंड चैनल है नमोकार लाइव गेमिंग, उस पर मैं आप लोगों के साथ उसे लाइव इंजॉय करूं, देखूं, और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताओ कि ये आइडिया आपको कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करते हैं तो। और बाकी तो उसकी पूरी जो भी डिटेल होगी शॉर्ट में वो हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे ही। तो आज भी यार बहुत कुछ है बोलने के लिए, मेरा बस मन कर रहा है कि बोलता रहूं, लेकिन फिर भी यार मैं अपने जो इमोशन है उसे कंट्रोल करके बैठा हूं। तो आप भी मेरे इमोशन को समझते हुए वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में ये जो गुड न्यूज है हमारे लिए, हम सभी गेमर्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट जन प्लेस्टेशन 5 पर जितनी वीडियो, जितनी गेम्स की लाइव स्ट्रीम, जितने गेम प्ले, जितने हाइलाइट्स वगैरह आपको इस चैनल पर मिलेंगे, मैं नहीं मानता कि इंडिया में कोई भी यूट्यूबर इतनी मेहनत करेगा। तो प्लीज सपोर्ट करो मुझे, सबसे ज्यादा तुम मुझे व्यूज दो, मैं तुम्हें वीडियोस दूंगा। तो मिलते हैं कल रात इवेंट में, और जो लोग लाइव स्ट्रीम का आज वेट कर रहे थे तो यार सॉरी, आज लाइव स्ट्रीम करने का मतलब कुछ भी मूड नहीं है, मुझे पता है कि मैं लाइव स्ट्रीम खेल ही नहीं पाऊंगा गेम प्ले, क्योंकि अब मेरा सारा जो फोकस है PS5 पर है, और बस ये किसी तरह से हमारी रात कटे और मैं कल रात 9:30 बजे आपके सामने हाजिर होना चाहता हूं। तो प्लीज सपोर्ट करो यार, प्लीज प्लीज प्लीज।